चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ या कहाँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं से होकर आई हूँ और अभी चेंज करूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी जो भी बनाना होगा। तो आज मैंने घी निकाला था तो उसका जो खुरचन होता है तो वो बचा हुआ रखा है। तो आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया था, आप लोगों को तो पता ही चल गया है कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो हाँ, मैं जो बची हुई खुरचन से लड्डू बनाने जा रही हूँ तो उसी की वीडियो आप लोगों के शायद शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? आपको बात करनी है? अच्छा, हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, हेलो बोलो, हाँ टाटा, जे जे कर रही है, जे कर रही है, जे कर दो, फिर से करो, फिर से कर दो, जे नहीं करना। अच्छा, मम्मा को मानना है, चलो। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए भाई। और तो चलिए भाई, लड्डू बनाते हैं, मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाती हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और इसको भी देख कर आते हैं पापा के पास, तभी बनाऊँगी, बना पाऊँगी, वरना नहीं बनाने देगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और अभी जो मैंने घी निकाला था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये देखिए थोड़ा जम गया है। और मैंने आटा लिया है आधी कटोरी और ये एक छोटी कटोरी मेरे चीनी है, मैंने इसको पीस लिया है। और इधर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने एक चम्मच घी डाला है और जो आटा लिया था उसको मैं अच्छे से भूंज लूँगी और मीडियम आँच पर भूंजना है ताकि हमारा आटा अच्छे से भून जाए, कच्चा ना रहे, कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट बहुत ख़राब आएगा, इसलिए आराम से भूनना है मीडियम आँच में। और ये थोड़ा सा जब भुन जाएगा हमारा अच्छे से तब जो हमने मावा ले रखा है इसी में मिक्स कर देंगे और फिर इसको ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारा मावा काफ़ी अच्छे से पका हुआ है। क्योंकि अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर मावा जल जाएगा, फिर उसकी जलने की स्मेल आएगी। तो ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा नहीं इसको जलाना है हमें, थोड़ी देर बस, ये जो जमा हुआ है मेरा फ्रिज में रखा है इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ। और अगर आप ताज़ा बना रहे हैं तो बल्कि आटा भुंजा हुआ है उसको अलग हटा के कढ़ाई से तब आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा फ्रिज में रखा था जम गया था इसलिए मैंने गरम कढ़ाई गैस पे ही मैंने इसको थोड़ी देर भूंज लिया है। और अब मैं इसे उतार लूँगी गैस से, इसे ठंडा होने दूँगी और ठंडा होने के बाद मैंने जो चीनी पीस रखी है इसमें मिक्स कर दूंगी। और ठंडा होने पे ही मिक्स करना है वरना चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी जो हमने पीस रखी है, तो फिर हमें लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। तो ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्स करेंगे और फिर मैं अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँ क्योंकि इस चम्मच से तो अच्छे से मिक्स होगा नहीं, तो मैंने अपने हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा लड्डू बनाना चाहें उस हिसाब से बना लीजिए। और मैंने इसमें इलायची भी कूट के डाल दी थी दो, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और मैंने नारियल ले रखा है, मेरा नारियल ये मार्केट का है जो घिसा हुआ रहता है, बुरादा आता है। आप चाहो तो घर का भी नारियल घिस के ले सकते हैं, तो मैं इसी में लपेटती हुई जाऊंगी, ये नारियल मेरा है और इसी में लपेट लूँगी, अच्छा देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगता ही है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी, तो लड्डू बन के हो गए, हो जाएंगे मेरे तैयार।
भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मेरी वीडियो इसी तरीका के से रोज़ देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पता चल जाए, तो बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।